धूमधाम से मनाई गई क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल में खीसट जयंती। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की और नेटिविटी प्ले के माध्यम से प्रभु मसीह के जन्म के उद्देश्य और उनके संदेशों को लोगों के समक्ष रखा। 25 दिसंबर को देश के साथ विश्व भर में प्रभु मसीह का जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा। क्रिश्चियन समाज के इस खास पर्व को लेकर शहर में भी उत्साह दिखने को मिल रहा है। शहर के मिशनरी स्कूल में क्रिस्ट जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश स्कूल में क्रिस्ट जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आर्च बिशप डॉक्टर पीपी हाबिल, श्रीमती मैसी हाबिल, स्कूल की प्रिंसिपल जेड डेनियल, सेंट पॉल चर्च स्कूल के प्रिंसिपल विवेक डेनियल और स्कूल के मैनेजर सहित अन्य प्रमुख लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकाश रूपी ईश्वर की ज्योति को जलाकर हुई। उसके बाद स्कूल की छात्राओं ने पेयर डांस पेश किया और ईश्वर को याद करते हुए सभी के कल्याण की कामना की गई। उसके बाद छात्राओं ने कैरल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु को याद किया और सभी के जीवन में खुशहाली, प्रेम और कल्याण की प्रार्थना की। बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से कैरल सिंगिंग को सभी के समक्ष पेश किया। कैरल सिंगिंग के साथ स्कूली बच्चों ने नेटिविटी प्ले के माध्यम से प्रभु मसीह के जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से मंच पर पेश किया। साथ ही ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रभु मसीह के आगमन के उद्देश्यों का महत्व भी बताया। उनके द्वारा दिए गए संदेशों के माध्यम से आज के दौर में किस तरह से हम अपनी परेशानियों और समाज की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उसका भी सुंदर संदेश छात्रों के माध्यम से दिया गया। पीपी हाबिल ने बच्चों के प्रयासों को सराहा और प्रभु मसीह के दिए हुए संदेशों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। बाकी सर, जो ये प्रोग्राम हुआ था, इसका क्या उद्देश्य है जो आज हुआ है? क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? मैसेज के दुकानों वर्गों को नहीं देना चाहते, हम अपने आप को देना चाह रहे हैं जी। परमेश्वर ने मनुष्य का उद्धार करने के लिए संसार में जन्म लिया जी। उसको हम बच्चे और लोग जो है वो प्ले करके दिखा रहे हैं। नेटिविटी प्ले के साथ क्रिसमस के प्रोग्राम को सेंटा क्लॉज के बिना पूरा नहीं माना जाता। इस अवसर पर सेंटा क्लॉज ने भी आकर जिंगल बेल गाकर माहौल को खुशनुमा बनाया और सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चे इस दिन के लिए काफी दिन से तैयारी कर रहे थे और यह कार्यक्रम उनके स्कूल के लिए काफी खास होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु मसीह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना और क्रिसमस की खुशियों को सभी के साथ बांटना होता है। पूरा प्रोग्राम बता दीजिए। पूरा प्रोग्राम क्रिसमस के उपलक्ष्य में किया गया है। ये इसमें खास उद्देश्य जो है वो ये है कि परमेश्वर इस दुनिया में पाप को मिटाने के लिए आए और उन्होंने कहा कि सारे जाति आना सब एक समान है, हमें किसी के संग भेदभाव और नफरत नहीं करनी चाहिए, मिल के रहना चाहिए। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस के इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए प्रेम और सद्भाव के साथ रहने के लिए प्रेरित किया।